सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग दो का प्रथम पाठ सुभाषितानी। तो आइए हम इसके श्लोकों का अनुवाद करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी में तीन रत्न हैं, अन्न, जल और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थरों को रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण करती है, सत्य से रवि प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा वायु बहती है, संपूर्ण संसार सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये धरती तो अनेक रत्नों वाली है। चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्वादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। पांचवा श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार में तथा व्यवहार में जो संकोच नहीं करता वह हमेशा सुखी होता है। आखिरी श्लोक। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात जन संसार में क्षमा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है, वहाँ जिसके हाथ में शांति की तलवार है दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आइए वीडियो के माध्यम से ही हम इस पाठ को और समझेंगे।